मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे लाइफ वर्क चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कार रैंप या कार स्लोप कैसे बनाएं। तो इस कार रैंप और कार स्लोप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो चीज़ें ये होती हैं कि कार रैंप बनाने के पहले हम क्या ध्यान रखें, और यदि हमने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे क्या समस्याएँ होंगी, और उन समस्याओं के बाद हम जब उन समस्याओं को देखते हैं तो उसको कैसे उन समस्याओं से निपटारा पाएं और अपने घर का रैंप अच्छे से बनाएं ताकि हमारी कार जो है अच्छे से घर के अंदर पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं वो बातें बताऊंगा, उन व्यक्तियों के लिए बताऊंगा जो अभी घर बना रहे हैं या स्लोप आगे बनाने वाले हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत हो रही है उनकी रैंप बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे वो शुरू कर रहे हों या आगे रैंप बनाने वाले हों या पुराना रैंप बन गया हो, उस पर कार टकरा रही हो, तो ये सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा लाइव वर्क चैनल लाइव से रिलेटेड वीडियो डालता रहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जीवन में जो समस्याएं आई, चाहे वो मकान बनाने हो मैं हूँ, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के रिलेटेड हो, चाहे वो पानी की टंकी से रिलेटेड हो, मैं सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इसीलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। हम शुरू करते हैं, वो व्यक्ति के लिए बताऊंगा सबसे पहले जो मकान बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार क्या होता है, रोड सकरा होता है, फिर भी वो अपने मकान की फाउंडेशन की हाइट ज़्यादा रख देते हैं। तो फाउंडेशन की हाइट ज़्यादा रखने से वो स्लोप जो होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मान लीजिए ये रोड है, ये मैंने रोड बना दिया जो बोर्ड पर बना हुआ, ये हमारा 10 फीट का रोड है। अब आपने 10 फीट के रोड पे जो फाउंडेशन की हाइट रख दी, मान लीजिए 3 फुट रख दी या 2 फुट रख दी, तो जो हमारा ये स्लोप होता है, मान लीजिए फाउंडेशन की हाइट हमने इधर रख दी 2 फुट, तो जब आपने 2 फुट फाउंडेशन की हाइट रख दी तो हमारा जो स्लोप है वो आधे रोड पर चला जाता है, जैसे मैंने अभी बनाया। तो इसे आधे रोड पर जाने से मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन करने लगते हैं और इससे लड़ाई का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, जो नए मकान बनाने वाले हैं या नया रैंप बनाने वाले हैं, आप फाउंडेशन की हाइट रोड की चौड़ाई के हिसाब से रखें ताकि रोड पर रैंप जाने पर कोई उसमें ऑब्जेक्शन ना करे और एक लड़ाई या झगड़े वाला मामला ना हो। तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा पॉइंट आपको बता देता हूं, यदि आपका रोड 20 फुट तक, यानी मान लीजिए ये रोड 20 फुट तक का है, 20 फुट से बड़े रोड की मैं बात अभी नहीं करूंगा, मान लीजिए ये 20 फुट का रोड है, तो 20 फुट का रोड है तो इसमें आपको फाउंडेशन की हाइट ज्यादा से ज्यादा आपको रखना है 12 से 15 इंच। इसकी फाउंडेशन की हाइट या तो 12 इंच रखना है या 15 इंच रखना है, 15 इंच से ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि यदि आप 15 इंच से ज्यादा रखोगे तो जो स्लोप होगा वो ज्यादा रोड पर पहुंच जाएगा। यदि रोड 20 फुट तक का है तो, यदि रोड की चौड़ाई 20 फुट से ज्यादा है तो आप इसकी फाउंडेशन की हाइट आप जो है 1.5 फुट से लेके 1.5 फुट से लेके आप 2.5 फुट 3 फुट तक भी रख सकते हो, 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट, यदि रोड की चौड़ाई ज्यादा है। रोड की चौड़ाई 20 फुट तक है तो फाउंडेशन की हाइट ज्यादा ना रखें, अन्यथा बाद में आपकी कार टकरा जाएगी, फिर आप उल्टे सीधे वीडियो देखोगे और वीडियो से देख के बनाओगे, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी जो स्लोप बनाने वाले हैं या जिनका मकान बन रहा है। अब दूसरी मैं बात बताऊंगा समस्या क्या आती है, वो समस्या मैं बता देता हूँ। वो समस्या ये आती है, सबसे पहले मैं बना के दिखाऊंगा कि जब हमारा जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन ज्यादा ऊंचा लग जाता है और हमारे पास रोड उतना नहीं होता है चौड़ा, और हम स्लोप छोटे में बना देते हैं, तो हमारी कार कैसे कैसे टकराती है, तो वो समस्या मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कार टकराती है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा घर का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन पड़ा हुआ है, ये हमारा फाउंडेशन मान लीजिए 2.5 फुट का है, ये फाउंडेशन हमारा 2.5 फुट का है। अब इसमें ये हमारे सामने का रोड है, ये रोड है, ये इस तरीके का रोड है। अब हम क्या कर दिए, मान लीजिए हमारा, हमने ये रोड के चक्कर में, ये रोड सकरा था, इस चक्कर में हमने क्या किया कि इस स्लोप को हमने ऐसे खड़े में बना दिया, फिर भी आधे रोड पर पहुंच गया। देख लीजिए, इसमें जरूर झगड़ा होगा आधे रोड पर जब स्लोप पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन बना दिया आपने। अब आपकी कार जब चढ़ेगी, आपको जितना रैंप चाहिए था वो उतना रैंप नहीं मिला, जब आपकी कार चढ़ेगी तो आपकी कार का आगे का पहिया मैंने एक इधर बना दिया, पीछे का पहिया मैंने इधर बना दिया। मैं एक कार बना देता हूं रफली इस तरीके से,
ये मैंने कार बना दी है, तो जब कार के आगे वाला जो बोनट आएगा जहां मैं एरो बना देता हूँ, ये देखिए ये मैंने एरो बना दिया, ये बोनट आके इधर टकरा जाएगा। तो इस समस्या को मैं अभी बताऊंगा, इस समस्या को हमें कैसे सुलझाना है। तो ये बोनट टकरा जाए, दूसरी पोजिशन में हमारी कार चढ़ती हुई ऐसे आगे जाएगी, ये हमारा घर है, ये घर है हमारा, तो इधर पे जाएगी, तो जब एक पहिया होगा पीछे और एक पहिया होगा आगे, इसी पोजीशन में हमारी कार चढ़ेगी इस तरीके से। देखिए ये बीच वाला हिस्सा टकरा जाएगा जहां मैं एरो बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये दो पोजीशन ऐसी होती हैं, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज सबसे सरल तरीका बताऊंगा। अब ये जो दो पोजीशन को मैं सॉल्व करूंगा, इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि कई वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे वो रेशियो में पड़े होंगे, जैसे 1:200, 1:250, वो ये बता रहे हैं कि भाई रैंप को आप रेशियो में बनाइए, जो ये रैंप है इस रैंप को आप रेशियो में बनाइए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा रैंप रेशियो में बनता हाईवे का, अगर हम रेशियो के हिसाब से इस रैंप को बनाएं तो हमारे घर का रैंप बनेगा 15 फुट 16 फुट 13 फुट, इतना लंबा रैंप जाएगा। वो रैंप कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। वैसे सही रैंप वही होता है जो रेशियो में बनता है, लेकिन घर का रैंप हम रेशियो से नहीं बना सकते, वो रैंप बनता है ऐसे। जो हाईवे के ब्रिज देखे होंगे उसका रैंप बनता है धीरे धीरे, ऐसा रैंप हम घर पर नहीं बना सकते। हमें घर का रैंप जो बनाना पड़ता है थोड़ा खड़ा सा बनाना पड़ता है, और खड़ा ऐसे भी बने कि उसमें कार ना टकराए। तो वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपका रैंप जो है बिल्कुल अच्छा बन जाएगा और कार भी नहीं टकराएगी, आप छोटी से छोटी कार चला सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं कार का रैंप बनाने में, तो हम आपको सारी बातें आपको बता देते हैं। देखिए मैं अपने घर का जो है फाउंडेशन बना देता हूं। देखिए ये हमने फाउंडेशन बना दिया, ये हमारा मान लीजिए 2 फुट का है, 2 फुट का फाउंडेशन हाइट है, ये हमारे सामने का रोड है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कार जो है, एक मैं इधर कार बना देता हूं, इधर पर साइड में इधर कार बना के बता देता हूं। देखो कार में आपको क्या मेजरमेंट लेना है, ये मैं कार बना दिया हूं, ये आगे वाला हिस्सा है, मैंने लाइट बना दी, ये मैंने लाइट बना दी इधर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आगे वाला हिस्सा है, ये लाइट है हेडलाइट, तो इससे आपको पता चल जाए। अब इसमें आपको क्या मेजरमेंट करना है, ये पहिए की ऊंचाई, ये पहिए की ऊंचाई आपको लेना है, ये पहिए की ऊंचाई कितनी है इधर से लेके इधर तक, ये पहिए की ऊंचाई लेना है, और ये बोनट तक की दूरी लेना है इतनी। सबसे पहले इन दो चीजों को देखेंगे आप, कि पहिए की ऊंचाई और बोनट की दूरी। अब आपको क्या करना है, ये पहिए देखिए, ये रोड से लेके पहिए तक की सेंटर की ऊंचाई और ये पहिए के से लेकर के ये बोनट तक की दूरी नापना है आपको कितनी है। अब आपको ये रोड के सामने कितने दूर से आपको रैंप बनाना है वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने 7 फुट जगह पड़ी हुई है, मान लीजिए 7 फुट जगह है, तो इधर पे एक पॉइंट आपको लगा लेना है, इधर पे आपको पॉइंट लगा लेना है, इस पॉइंट से इधर ही आपका रैंप बनेगा, इस पॉइंट से 7 फुट आपके पास जगह है। अब आपको क्या करना है इसके लिए, ये जो हमने पहिए की रोड से लेके सेंटर तक की जो दूरी नापी थी और ये लंबाई नापी थी, इसको क्या करना है, ये कोई सीधी सी लकड़ी लेना है, जैसे मैंने ये लकड़ी ले ली है, ये मेरे पास लकड़ी है, और ये मैंने हाइट के लिए लिया, ये पहिए की हाइट के लिए है, ये मैंने टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा पहिए की हाइट के लिए लिया। आप छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा टुकड़ा ले सकते हैं, यदि बड़ी गाड़ी होगी तो ये हाइट जो है ज्यादा हो जाएगी रोड से लेके इधर तक की, और आगे की यदि कोई लंबी गाड़ी है तो ये दूरी भी ज्यादा हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो मैंने क्या किया है, इस लंबाई को मैंने नाप लिया है, ये इसके सेंटर से लेके इधर तक, देखिए हम ऐसे दिखा देते हैं, इसके पहिए के सेंटर से बोनट तक ये मैंने ऐसे नाप लिया है, और इसकी ऊंचाई को मैंने नाप लिया है, देखिए ये पहिए की ऊंचाई को भी मैंने ऐसे नाप लिया है रोड से सेंटर तक। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ना है, जैसे हमने इसको नाप लिया है, अब इसको इस दोनों को हमने एक इसको और इसको इसको ऐसे हमें जोड़ लेना है। देखिए ये जो हाइट है, ये पहिए की हाइट को ऐसे हमें जोड़ लेना है, ऐसे इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं, इससे पता चल जाएगा बोनट की कितना टकराएगा। अब मैं इसको जोड़ लेता हूं धागे द्वारा, मैं इसको धागे से जोड़ लेता हूं, मेरे पास धागा है, ये धागा से आप भी बांध लेना इसको, मैं इसको बांध लेता हूं ऐसे, ऐसा आप भी बांध के चेक कर सकते हैं घर पर, जब आपका जो है फाउंडेशन
आप रैम का फाउंडेशन बना रहे हैं और रैम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए मैंने ये इस तरीके से कर लिया है, देखिए ये मैंने बना लिया है। अब देखिए ये जो है, ये नीचे से मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये इधर से लेके इधर तक ये पहिए की ऊंचाई है, और ये आगे जो बोनट की दूरी है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे बोनट की दूरी हम निशान लगा लेते हैं इसको। देखिए ये पहिए की ऊंचाई पे, देखिए ये पहिए की सेंटर तक की ऊंचाई हो गई, ये देखिए ये पहिए की सेंटर की ऊंचाई, देखिए और ये बोनट की दूरी हम ये निशान लगा देते हैं था। देखिए ये हमने निशान लगा दिया और ये सेंटर ऊंचाई, देखिए निशान लगा दिया हमने इस पर लकड़ी पे, देख दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसको क्या करना है, इसको इधर पे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो बोनट है, जो हमारा पहिया इधर पे आएगा, गाड़ी का पहिया इधर पे आएगा, ऐसे गाड़ी का पहिया इधर पे आएगा, तो हमारा इससे ऊंचा रैंप नहीं होना चाहिए, यानी इस बिंदी से ऊपर हमारा रैंप नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर रैंप हो जाएगा तो हमारी गाड़ी से टकरा जाएगा। देखिए इस तरीके से लगाया हमने, हम एक बार और लगा के बता देते हैं। ये देखिए पहिए के सेंटर की दूरी है और आगे बोनट है, ये वही हमने इधर लगा दिया, तो इधर पे ये पॉइंट हमें मिल गया है, यानी हमारा रैंप इधर से इससे नीचे ही होना चाहिए। देखिए हमने इतना रैंप बना दिया, इस पॉइंट से हमारा रैंप नीचे ही होना चाहिए, अन्यथा ये देखिए ये कार का हमारा बोनट है, ये हमने जो निशान लगाया ये बोनट है। देखिए इधर दिखा देता हूँ फिर से, ये बोनट है, तो ये बोनट इसमें इसमें अगर इससे ऊपर ये लाइन रहेगी ऐसे, तो ये बोनट जो आगे वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा ये इधर टकरा जाएगा, तो यानी इससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए। अब हम पोजीशन चेक करेंगे ऊपर वाली, ऊपर वाली पोजीशन के लिए मैंने दो आइटम ले रखे इधर पर, मैं उसको भी जोड़ के आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने बड़ी लकड़ी ले रखी है, देखिए ये बड़ी लकड़ी। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके सेंटर से बीच की दूरी देखना। देखिए ये सेंटर पहिए से पहिए के बीच में मैंने लगाया है निशान, पहिए के बीच में लगाया। देखिए एक एक व्हील से दूसरे व्हील के बीच में आपको लगाना है, एक हमने निशान ये लगा दिया, आप देख रहे होंगे एक निशान हमने ये लगा दिया, ये दोनों निशान हमने लगा दिए। देखिए लकड़ी पर आपको भी इसी तरीके से कार के सामने जाकर के दो निशान लगा लेना, देखिए एक निशान ये है, एक निशान ये लगा, ये पहिए से पहिए के सेंटर का है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारा कार का ग्राउंड क्लियरेंस होता है, आप सभी लोग जानते हैं कार का ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस जितना जमीन से कार की जो ऊंचाई होती है उसको हमें नाप लेना है, और नापने के बाद एक को इधर पे हमें लगाना है पहिए के, एक इधर पे लगाना है और एक हमें इधर पे लगाना है, इधर पे दोनों पहिए के, दोनों तरफ के पहिए लग जाएंगे तो हमारा पहिए के सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। अब इसको भी हम जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं और फिर आपको इसका दूसरे का प्रैक्टिकल आपको बता देते हैं। ये इतनी बढ़िया विधि है, इस विधि से आप बिल्कुल कर लोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रेशियो से अगर बनाओगे आपको रेशियो में दिक्कत होगी और आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि रेशियो से जो बनते हैं वो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, रेशियो का उपयोग घर में नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखें बिल्कुल। एक हमने जोड़ दिया है, ये दूसरा हम जोड़ रहे हैं, उसी जो हमने निशान लगाए थे उसी निशान पे आपको जोड़ना है बिल्कुल इसको। आप घर पे करेंगे थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार में बिल्कुल आपका सही रैंप जो है बन जाएगा। ये हम जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बस टाइम लगेगा, लेकिन आपका रैंप एक बार में बिल्कुल सही सही बन जाएगा। अब देखिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ये ग्राउंड क्लियरेंस है और ये पहिए से पहिए के बीच की दूरी है, ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे देखिए, देखिए ये पहिए का सेंटर से सेंटर तक ये हमने ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से ले लिया। थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस हमारी गाड़ी का कम है जो बोर्ड पर बनी हुई है। आपको रियलिटी में गाड़ी से लेना है, कोई भी गाड़ी हो, देखिए ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इसके सेंटर में ले जाकर, देखिए इसमें एक सेंटर इसका जो हमने अभी इधर पर निशान लगाए थे वो निशान अंदर चले गए, तो इसको नाप के इसका सेंटर निकाल लीजिए, इसका सेंटर इधर से लेके इधर तक जो दूरी है उसका सेंटर निकाल लीजिए नाप करके फीते द्वारा मेजिंग टेप से। अब उस सेंटर को आपको इधर लगाना है, और इसको इस वाले हिस्से को आपको इसके बीच में रखना। देखिए ये सेंटर लगाया आपने इधर, और ये पहिया लगाना इधर पे, देखिए ये पहिया तो इधर रहेगा ना, देखिए ये पहिया, और इसको इधर टच नहीं करना है, अगर आपने टच कर दिया तो गाड़ी इधर टकरा जाएगी, अगर इधर आप टच कर दोगे तो गाड़ी टकरा जाएगी, तो थोड़ा सा ऊपर रखना है इस तरीके। अब ये पॉइंट आपको इधर मिल गया, देखिए
ये पहिए वाला पॉइंट मिल गया इधर, और ये पहिया आपका, ये इधर है पहिया, और बीच में देखिए टकरा भी नहीं रहा, देखिए बिल्कुल नहीं टकरा रहा, ये डंडी देख लीजिए आप, देखिए ऐसे, तो ये पॉइंट आपको ये मिल गया। अब ये पॉइंट मिलेगा तो इसी को आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दीजिएगा, आपका ऐसा रैम बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी जब इधर आएगी तो इस तरीके से रहेगी, जो मैंने अभी बोनट वाला बताया था, तो इधर भी नहीं टकराएगी, धीरे धीरे चढ़ती हुई ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, सेंटर में पहुंचेगी तो इधर भी नहीं टकराएगी, और बस आपकी गाड़ी ऐसे घर के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप एक सीधी लकड़ी और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके जो है आप रैंप बना सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा चैनल है फिटर फाइटर, और ये आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम सारी आपकी जानकारी देंगे, और रेशियो के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, जैसे मैंने बताया आप ऐसी तरीके से बनाएं, क्योंकि मैंने भी बहुत परेशानी झेली है जब मैंने रैंप बनाया है, तो इसी तरीके से मैंने इन्हीं लकड़ी के टुकड़ों की मदद से मैंने रैंप बनाया था और स्लोप बनाया था, क्योंकि इसके रेशियो में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो मैंने उसको फेस किया। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग रैंप बनाने में, स्लोप बनाने में ऐसी दिक्कत का सामना ना करें, और आपको स्लोप बनाने में कोई दिक्कत भी ना हो, कोई समस्या भी ना हो, और आपकी कार दौड़ के चढ़ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।